Hey guys, this is Raj Kadam here. I'm back with another video. So, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टॉप 5 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ टू ग्रो योर चेस्ट. आई नो आपको एक बड़ी चेस्ट चाहिए, बट उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत मदद करने वाली है टू ग्रो दैट चेस्ट. सो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जिसमें मैं आपको हर एक मसल ग्रुप के टॉप 5 एक्सरसाइजेस बताता हूँ, जैसे कि ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, बैक एक्सेट्रा. सो आपको इन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एंड प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे आ रही होगी. सो गो वॉच दैट वीडियोस फॉर टॉप 5 एक्सरसाइज ऑन ऑल द मसल ग्रुप्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है बारबेल बेंच प्रेस. सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज ऑन फ्लैट बेंच, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है. ये एक्सरसाइज एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें आप मल्टीपल मसल्स को ट्रेन करते हो, लाइक ट्राइसेप्स, शोल्डर एंड चेस्ट. इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपकी ओवरऑल चेस्ट ग्रो होगी. सो इस एक्सरसाइज को आपके वर्कआउट में इंप्लीमेंट करो. इस एक्सरसाइज में आपको हेवी जाना है, हेवी वेट्स का यूज करना है, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर फॉर्म. आपको फॉर्म अच्छी रख के ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है. एंड इस एक्सरसाइज को आपकी चेस्ट की किंग एक्सरसाइज बोलते हैं, बिकॉज ये आपकी ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट में मदद करता है. एंड मैं आपको सेट्स एंड रिपीटेशन वीडियो के एंड में बताऊंगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज जो हम करने वाले वो होगी इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस. इस एक्सरसाइज में हम डंबल्स यूज करने वाले हैं, बिकॉज डंबल से आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा होता है एंड यू कैन इजीली कॉन्ट्रैक्ट दैट मसल. ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए आपको माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बनाना है, जिससे कि आपको पंप आएगा. ये एक्सरसाइज आपके अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट को टारगेट करेगी. सो यू कैन गो हेवी ऑन दिस एक्सरसाइज टू, बट आपको फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. सो लेट्स मूव टू द थर्ड एक्सरसाइज. एंड थर्ड एक्सरसाइज जो हम करने वाले वो होंगे चेस्ट डिप्स. इस एक्सरसाइज को हम पैरेलल डिप्स बार पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है. ये एक्सरसाइज आपकी लोअर चेस्ट को टारगेट करती है. इस पे आप बॉडी वेट का भी यूज कर सकते हो. एंड अगर आप बॉडी वेट से मोर देन 12 रेप्स परफॉर्म करते हो, देन ट्राई एडिंग वेट इन दिस एक्सरसाइज फॉर द रेजिस्टेंस. सो मूविंग टू द फोर्थ एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है पेक डेक. ये एक्सरसाइज आपके ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट में मदद करेगी. ये एक्सरसाइज आपके ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करती है. इस पे ज्यादा हेवी मत जाना, ट्राई गोइंग विद मॉडरेट वेट, बट इस पे माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बनाओ. इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छा पंप आता है. एंड फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल एंड उसके बाद स्ट्रेच करते हुए स्लो रिलीज करना है, स्लोली स्ट्रेच करना है इस एक्सरसाइज में, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट दिखेंगे. सो मूविंग टू द फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज, हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है केबल फ्लाइज. इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी. सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको ज्यादा हेवी नहीं जाना है. गो विथ मॉडरेट वेट, मॉडरेट से भी थोड़ा सा कम वेट यूज करो एंड गो टिल द फेल्यूर. आपको इस एक्सरसाइज में फेल्यूर हिट करना है एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज योर फॉर्म, बिकॉज अगर आपने फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज किया देन आपका पूरा वेट शोल्डर पे या ट्राइसेप पे आ सकता है. इस एक्सरसाइज में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जिससे आप अपर, मिडल एंड लोअर चेस्ट को टारगेट करते हो. आप इस एक्सरसाइज के तीनों वेरिएशंस को आपके वर्कआउट में इंप्लीमेंट करो, जिससे कि आप अपनी ओवरऑल चेस्ट को अच्छे से डेवलप कर सकते हो. ये बहुत इंटरेस्टिंग सेट है. वी आर गोइंग टू शॉक आवर मसल्स. ये केबल फ्लाइज करते हुए आई एम गोइंग टू टेक इट कि कहां पे लाइक स्क्वीज करना है चेस्ट को, कॉन्टेक्ट करना है अपर, मिडल एंड लोअर. So what we are going to do is, ये मेरे 10 repetition इसे खुद के मारने वाला है. And after he gets fatigued, I'm going to tell you. तो इस टेक्निक में वी शॉक आवर मसल, बिकॉज जब हम कंटिन्यूसली सेम वेरिएशन लगाते हैं फ्लाइज करने के लिए, तब हमारी बॉडी को पता होता है हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट एंड आवर बॉडी इज प्रिपेयर्ड. सो बाय शॉकिंग आवर मसल्स हम फ्लैट टू ब्रेक कर सकते हैं. अगर आपकी चेस्ट ग्रो नहीं हो रही, ट्राई दिस, इससे आपको बहुत अच्छा पॉइंट आएगा एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इन 2-3 सेशंस ऑफ चेस्ट. सो आई एम गोइंग टू डू नाउ. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick. Boom, you told me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese.
Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm like. Moving to the repetitions and sets, आपको इन सारे एक्सरसाइज के चार सेट्स करने हैं. आपको फर्स्ट थ्री एक्सरसाइज आपको बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस एंड डिप्स पे फेल्यूर हिट नहीं करना है, बट आपको क्लोज टू फेल्यूर जाना है. एंड आपकी रेप रेंज रहेगी फ्रॉम 8 टू 12 रिपीटेशन. एंड लास्ट टू एक्सरसाइज में जो हमारे पेग डेक्स एंड चेस्ट फ्लाइज, इस पे आपको फेल्यूर हिट करना है. एंड इस पे मॉडरेट वेट का यूज करो. Don't go too heavy in these exercises because जब आप यहाँ पे heavy weights का use करेंगे आपके shoulders overpower कर जाएंगे. So जो भी tension आप chest को देना चाहते हो वो आपके shoulders पे आएगा. So include all these exercises in your workout and I guarantee you आपकी overall chest development बहुत अच्छी होगी. So this was all about the video guys. अगर video अच्छी लगी तो like करना, comment करना and share with your friends. मैं ऐसे ही fitness related content लाता रहता हूँ, like blogs, informative videos, healthy recipes, workout videos, etc. So if you are interested in this type of content, subscribe करके जाना and जल्दी मिलते हैं next video.